गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। यहाँ का बाल मैं दबा कर रखा हूँ क्योंकि ये सोने की वजह से यहाँ पे दब के उठ गया है। अच्छा, अपना सब बाल बताओ, ऐसे दब गया मेरा बाल। लेकिन हमारा वीडियो ले लेंगे और खुद का एक बाल ऐसा ना, तो वो जरा सोने की वजह से ऐसे हो गया। अरे बालों से याद आया, आज दोनों बहनों ने अपने अपने बाल धोए हैं। आप थोड़ा बहनों से, अब हम लिपस्टिक के शेड चेक कर रहे हैं, हम भी पिंक नहीं मिल रहा। खूब मूड मिस सब नहाइन है, देखा तनी। चलो फटाफट चाय बनाओ यार। अरे रुको, कहाँ घुस के तैयार हो रही हो? तैयार होने दोगे कि नहीं? आज चाय बनाने का आपको ड्यूटी है क्या मैडम जी? आप कभी मेरी तरफ से नहीं बोलती हो। मेरी तरफ से आपके चाय बनाने की ड्यूटी। आज आपके हाथ से चाय पीएंगे मैडम जी। मैडम जी के कल चाय भी था, आज आपके हाथ से। अरे जिंदगी अच्छी हो आप, भगवान की दया, 200 साल जी हो। एक बात बताइए, आपकी खोज किसने की थी? मैंने मैं ढूंढ के निकाला था आपको। हाँ देखा, तारीफ कर रही है कि तुम्हारे तो चाहिए। ऐसी तारीफ नहीं चाहिए मेरे को जिसमें मेरा नुकसान हो। डेली दो बहनों का प्यार देखने को मिलता है। आज क्या बनाओगी? पोहा। नाश्ते में पोहा, सिंपल पोहा। अरे वही कॉर्न और डाल के सब सिंपल ही समझो उसको। तो आज नाश्ते में है पोहा, चाय और बस इतना ही नाश्ते के लिए भोजन। इतना ही पोहा, छत्तीस भोग कैसे बनाओगे तुम? 56 भोग होता है। प्लेट हाँ, तो काटो कैंची से। क्यों नहीं काटना? मैडम जी आपसे चाय अच्छा बनाया। अच्छा बनाया, हाँ अच्छा बनाया। तभी तो आपको कल चाय देने वाला ही नहीं है। कल आप चाय बनाओगे तो पी लेना, नहीं तो नहीं देगा। पता नहीं मैडम जी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उनके गुणगान गाने लगे, हमें भूल गए। आपको पहले भी बोला मैडम होएगा तो मैडम के बात सुनने पड़ेगा आपको। अरे वाह, सुरभि का बनाया हुआ कौन पोहा रेडी है। जाओ यार नमिश, जल्दी से मुंह धोकर के आओ यार। कल आपने ब्रश ही नहीं है वो वाले बाथरूम। तू जो पापा से मांग लो, बोलो पापा हाथ में दे दो, मैं कर लूंगा। सुरभि ने बहुत टेस्टी बनाया हुआ है। कोई नहीं, चलो अब हम एंजॉय करेंगे सुरभि के द्वारा बनाया हुआ ये। बहुत ही टेस्टी पोहा है, मैं बता नहीं सकता वाकई। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को देखिए। वैसे तो मैं जनरली दोपहर को सोता नहीं हूँ, लेकिन आज संडे है, क्या किया जाए। संडे का फ़ायदा उठा के देखो, सुरभि भी गई अपना पार्लर का काम करवा ली। हम लोगों का क्या है ना, देखो हम लोग पार्लर जाते हैं या फिर सैलून जाते हैं, बाल कट रहा है, बाल कटते हुए दिखाया। सुरभि को व्लॉग के लिए बोल दो पार्लर में, तो ऐसा लगता है कि जैसे कैमरा लेके इसके पार्लर में घुस गया हूँ मैं। अरे ये भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे। कैसे दिखाना है वो तो अपने ऊपर है ना। नहीं दिखाते हैं लोग, पेडिक्योर मैनिक्योर कराते कराते सब वीडियो दिखाते हैं। सारा पैसा बर्बाद कर दिया इसने, कुछ नहीं व्लॉग बनाया। तो अंदर में व्लॉग बना के तुमको दिखाती। ये तो हद हो गई। बताना इम्पोर्टेंट है। देखो हम कुछ भी करते हैं अपने घर पे बताते हैं ना, ये किया वो किया वो किया, तो वैसे ही है सब। तो फैमिली वाले ही है ना। तो भाई बस अपने गेम में लगा हुआ है। नमीश तो थप्पड़ पड़ेगा, नहाया नहीं है। आजकल ये माइनक्राफ्ट खेलने में लगा हुआ है। वीडियो पे कमेंट करने के लिए इसने अपना खुद का एक चैनल बना लिया, क्योंकि इसके पापा मम्मी इसके अपना मोबाइल दे नहीं रहे थे, तो मजबूरन इसकी मम्मी को नमीश का एक व्लॉग चैनल क्रिएट करना पड़ा। तो अगर नमीश के शॉर्ट्स आपको देखने हैं तो वो भाई नमीश दुबे व्लॉग में आपको मिलेगा। जब नमीश थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तब नमीश के लिए हम गेमिंग चैनल खोलेंगे, है ना। अभी थोड़ा जो भी है बस थोड़ा सा खेलना आना चाहिए आपको। नमीश भी जा रहा है क्या? नमीश जाएगा? अरे 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 नमीश 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 नमीश। अरे अब तो बहुत भारी हो गया रे ये तो। ये तो पहले मैं इसको उठा कर फेंक दिया करता था।
तो जादू लग रहा है, जादू जादू। एक बार और। वन टू थ्री गो। हाँ, दूसरे सेट में थोड़ी मजबूती आई है। अब आओ, ये जिम हो रहा है क्या? वन मोर, तो हम लोग जिम जिम। वन टू, रुको थोड़ा बाइसेप दिखा। अरे बाप रे, दर्द हो रहा है, कल चेस्ट मारा था पूरा। वन टू पैर, वन टू। अरे यार, तुम लोग तो यही करते जाओगे, तुम भी खींच दो मुझे। अब मेरी बारी, भाभी को गिफ्ट चाहिए। अभी मैंने सुरभि को डांट दिया थोड़ा सा, तो उसके लिए जो है भीगी पलकें हो गई हैं, क्योंकि दीदी के यहाँ जाना था। दो घंटे से रेडी हो रही है, पता नहीं क्या तैयार होना है इसको। मेरे को गुस्सा आ गया, मैं चिल्लाया, और तब से जो है डुबुक 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 असुरा बहा रही है। तो फिर ऐसा प्लान किया है कि अब दीदी के यहाँ जाना तो कैंसिल कर देते हैं, कहीं और घूम के आते हैं, कि ताकि थोड़ा सा मूड सही हो जाए। चलो अब ज़्यादा टाइम मत करो, जो है अब ख़त्म करो। हाँ, अब ज़्यादा टाइम मत लो, अब फटाफट हो जाओ। क्या बात नहीं करोगी? नहीं बतियाओगी? अब बोलोगे ही नहीं, अब कुछ नहीं बतियाओगी? नहीं, मेरे को मतलब खुशी भी हो रही है और दुख भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से डेट पर। भाई बीवी को नाराज किया है तो एक छोटा सा डेट तो बनता है ना। कहाँ चलेंगे? कहाँ चलबू बोला? कहाँ चलबू? कहाँ यह उजियारे तनी हवा उजियारे। अभी निकलते निकलते लेट हो गया है, शाम का वक्त है, 7 बज रहा है, रोशनी भी कम हो गई है, तो पता नहीं कैमरे में दिखे ना दिखे। तो बस अगर यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक का बटन दबा के जाइएगा। हम सुरभि को तब तक लेके जाते हैं, कुछ अच्छा खासा खिलाएंगे, मूड ठीक करेंगे। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। अब यही होता है ब्लॉग की समाप्ति।